ओके, तो ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ये GNS3 है। इसमें ऑलरेडी हमारे पास राउटर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है 3700, ठीक है। तो आपको इसे ऐसे ड्रैग करके लगाना होता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरह नहीं लगाना होता। बट अभी ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल करने जा रहा हूं और स्क्रीन को यहां पे बंद कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना है, यहां पे पहले कंट्रोल पैनल में जाना है, अनइंस्टॉल करेंगे इसे। तो प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर जाके यहां पे आपको मिल जाएगा GNS3। बाकी जिस जिसके पास सेटअप नहीं है वो ले लेना मेरे से। तो ये मैंने GNS3 को अनइंस्टॉल। और जब आप GNS3 इंस्टॉल करोगे, आपके पास दो तीन सॉफ्टवेयर और आएंगे जिनका नाम है WinPCAP और Wireshark, ठीक है। तो WinPCAP और Wireshark आएंगे। तो मैं अपने लैपटॉप के अंदर, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, तो मैं सॉफ्टवेयर एंड विंडो इमेजेस में जाता हूं और यहां पे जाता हूं सॉफ्टवेयर पे। तो आप सभी ने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, नॉर्मली बात की जाए तो आपको GNS के ऐसे सेटअप मिलेंगे। अभी तो GNS के नए सेटअप भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन एक दो नए सेटअप में मुझे कुछ बग फील हुए थे, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी इमेजेस पड़ी हैं, तो आप मेरे से ये इमेजेस ले लेना, ठीक है। मेरे पास 1700 सीरीज राउटर, 2600 सीरीज राउटर, 3500 सीरीज राउटर, 3560, ठीक है, बहुत सारे राउटर की इमेजेस पड़ी हैं। और मैं GNS3 इंस्टॉल कर रहा हूँ 0.8.6, ठीक है जी। मैंने क्लिक किया, यहां पे लिख के आ गया वेलकम टू द GNS3 सेटअप, नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब देखो यहां मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी WinPCAP नाम का सॉफ्टवेयर है, तो ये अनइंस्टॉल हो रहा है पहले, बट मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, एरर ओपनिंग इसके अंदर। अच्छा, ये पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। WinPCAP होता है आपका पैकेट को कैप्चर करने के लिए। अब आप प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हो तो आपके पैकेट कैप्चरिंग वाला काम भी आएगा इसमें। कैंसिल ही कर देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है WinPCAP, इसलिए इसने बोला है कि इसको करो। अच्छा, Wireshark नाम का सॉफ्टवेयर भी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये कहते हैं कि आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं, तो मैंने नो कर दिया, लेकिन आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। मतलब आपने सारे यस करने हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी कुछ फाइल्स हैं, लेकिन आपके लैपटॉप में हो सकता है कुछ फाइल्स ना हो, तो आपने सारी फाइल्स को यस 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 ही करना है। नेक्स्ट किया, जैसे नॉर्मल हमारा VLC मीडिया प्लेयर होता है ना इंस्टॉल, वो वैसे ही जाएगा। ये मेन चीज इसमें होगी कि राउटर की इमेज को कैसे इंस्टॉल करें। जैसे मेरे पास ओरिजिनल राउटर है, ओरिजिनल राउटर में तो एक ही राउटर है मेरे पास, चाहे मेरे पास दो हो तीन हो, तो उनकी क्या होती है, ये आ गया इमेज होती है ना, तो वही इमेज डालनी। ओके, तो ये कह रहा है GNS3, तो इसको बंद कर देते हैं। ये कहता है नया GNS वर्जन 2.2 भी अवेलेबल है, लेकिन मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की बिन फाइल भी चेक करनी पड़ेगी, तो मुझे कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो ये हो गया मेरा GNS3 दोबारा इंस्टॉल्ड, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अभी इसके अंदर हमें तीन स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब इसके अंदर मुझे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज डालनी पड़ेगी, फिर डायनामिक्स ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद आइडल पीसी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्या चीज है वो देखते हैं। तो अगर आप GNS3 इंस्टॉल करोगे तो राउटर वाला पार्ट आपको खाली दिखाई देगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से सारे राउटर डाल सकते हो। जैसे CCNA में हमने 1800 सीरीज, 2900 सीरीज राउटर, 2811 पे काम किया है, तो CCNP में मैं रेकमेंड करता हूँ कि 37 से अबव वाले राउटर पे ही काम करो, मतलब बड़े राउटर्स पे ही सारे काम करो, मैं सभी को यही बोलता हूँ। तो आपने कैसे करना है ये, तो आपने क्लिक करना है एडिट के ऊपर,
एडिट के बाद आ गया आपका iOS इमेज एंड हाइपरवाइजर, क्लिक किया, उसके बाद इमेज फाइल पे क्लिक किया और जहां पे भी आपकी वो इमेज पड़ी हुई है, जैसे मेरे पास सॉफ्टवेयर एंड विंडो इमेज में GNS के अंदर पड़ी है सारी इमेज, तो सबसे बेटर मुझे लगती है जी ये 37-25 वाली इमेज, तो मैंने इसको डाल ली, ठीक है। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे ये इसका पाथ बता देगी, तो इसका पाथ हमें चेंज नहीं करना है, जो पाथ आता है वही पाथ रहने देना। इसको सेव करके क्लोज कर दो, इतना स्टेप समझ में आ गया, हाँ जी क्लियर है। सेकंड स्टेप है हमारा प्रेफरेंसेस में जाना। प्रेफरेंसेस के अंदर एक हमें ऑप्शन मिलेगा जनरल, जनरल के बाद डायनेमिक्स, कैप्चर, क्यूमो एंड वर्चुअल बॉक्स। तो मुझे अभी सिर्फ जाना है डायनेमिक्स पे, बाकी बात हम बाद में करेंगे। यहां जाके सिर्फ टेस्ट सेटिंग करनी है। टेस्ट सेटिंग करने से ये अपने आप बैकएंड प्रोसेसेस को ऑन कर देगा और यहां पे लिख के आ जाएगा डायनेमिक्स विंडोज स्टेबल सक्सेसफुली स्टार्टेड। अगर ये नहीं आता इसका मतलब आपकी GNS इंस्टॉलेशन में कोई कमी है। इसको अप्लाई करो, इसको ओके करो। अब थर्ड चीज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा iOS इमेज में जाना है, क्लिक करना है इस पे और यहां लिखा होगा आइडल पीसी ऑटो कैलकुलेशन, इस पे क्लिक करना है। पहले इमेज पे क्लिक करना है फिर ऑटो कैलकुलेशन, क्योंकि GNS3 के अंदर जो इमेज डालते हैं हम ये बहुत हैवी होती है, हैवी। जैसे ओरिजिनल राउटर टाइम लेता है ना बहुत ज्यादा, GNS भी बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो इसके लिए आइडल कैलकुलेशन, आइडल पीसी का मतलब ये है कि जब राउटर नहीं चल रहा होगा तो पीसी की मेमोरी जो होगी या कोई प्रोसेसेस होगी वो काम में नहीं आएंगी, मतलब प्रोसेसेस इसकी ठीक रहेंगे। तो ये अपने आप ढूंढेगा वैल्यू, थोड़ा सा टाइम लेगा वैल्यू ढूंढने के लिए। लो जी लिख के आ गए यहां पे वर्किंग आइडल पीसी वैल्यू फाउंड, क्लोज। अगर आपने थोड़ी रैम बढ़ानी है इसकी तो आप इसकी रैम बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने 256 MB कर ली। क्लिक करके दोबारा इसको कर दो सेव एंड क्लोज। ये तीन स्टेप करने थे आपने, कौन कौन से? पहले iOS इमेज में गए, इमेज को इंस्टॉल किया, इमेज करने के बाद हम डायनेमिक्स में गए, प्रेफरेंसेस करके इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया iOS में जाके क्लिक करके ऑटो कैलकुलेशन की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार इसको बंद कर लो, ठीक है, इसको भी बंद कर लेते हैं। यहाँ पे GNS3 आ गया होगा हमारा, ये आ गया GNS3, क्लिक करो इसके ऊपर। भी कह रहा है गूगल पे जाओ, बट हमें जरूरत नहीं है। तो ये मेरा ओपन हो गया। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे राउटर, आपको एक राउटर दिख जाएगा 3700 वाला, ठीक है जी, अपने आप आ गया राउटर वन, सेकंड नंबर राउटर टू, थर्ड नंबर राउटर थ्री, और GNS3 में और स्विच आपको मिल जाएंगे, इथरनेट स्विच, इथरनेट हब मिल जाएगा आपको, ब्रिज मिल जाएगा आपको, ATM स्विच मिल जाएगा, फ्रेम रिले क्लाउड का स्विच मिल जाएगा और मल्टीलेयर स्विच मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने ज्यादातर यूज करना है यहाँ पे राउटर, और जो GNS3 के अंदर होस्ट है ना मेरा, वो असल में क्लाउड ही है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम राउटर को ही एज ए पीसी यूज करेंगे, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट अगर आप इनको देखो केबल लगाने के लिए, तो ये सिर्फ फास्ट इथरनेट केबल ही लगेंगी इसके साथ, ठीक है। यहां क्लिक कर दोगे आप तो यहां पे F0/0 दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक। अगर आप GNS का फायदा बताता हूं आपको, अगर आप तीनों राउटर को सिलेक्ट करके किसी एक राउटर पे राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर करोगे, तीनों राउटर सिलेक्ट हो गए, आप इसमें स्लॉट्स में जाके पोर्ट ऐड कर सकते हो। अगर दो पोर्ट ऐड करने हैं तो WIC 2 किया जाएगा, अगर आप सीरियल के चार पोर्ट ऐड करना चाहते हो तो NM40 आ जाएगा। अप्लाई करोगे, ओके करोगे, अब आप दोबारा केबल पे जाओ, अब आपको सीरियल पोर्ट भी दिखेंगे, यही है NM40, ठीक है।
तो आप सीरियल केबल भी लगा सकते हो, आप फास्ट केबल भी लगा सकते हो। और जब भी आपने जीएनएस, अभी मैं सिर्फ जीएनएस बता रहा हूं, मुझे पता है सीसीएनए में आपको आईपी एड्रेसिंग करनी आती है इसकी, आपको राउटिंग करनी भी आती है इसकी, आपको सारा बेसिक चीजें आती है इसकी। लेकिन जीएनएस 3 में जैसे ओरिजिनल राउटर को हम ऑन करते हैं ना, वैसे ही हमें पहले सारे राउटर्स को यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। देखो जब पहली बार ओरिजिनल पीसीबी ऑन होता है ना राउटर, सॉरी वो भी पोर्ट ग्रीन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नो शर्ट की कमांड नहीं लगाओगे, वो लगानी है। थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। मान लो ये है मेरा 10.0.0.0/30 का नेटवर्क, ठीक है, और ये है मेरा 20.0.0.0/30 का नेटवर्क, ठीक है। अब मैं R1 पे गया, देखो एक 37.25 इमेज का फायदा बताऊं, एनेबल कमांड नहीं लगानी पड़ी मुझे, सीधा एनेबल मोड में आ गए। और एक और फायदा देखो इसका कि आप राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर तो ट्रांसपेरेंट विंडो के ऊपर जाके अगर 20% पे क्लिक करोगे आपको बैक स्क्रीन भी दिखेगी इसकी, मतलब बैक साइड टोपोलॉजी दिख रही है। देखो कॉन्फिगरेशन कमांड तो वही रहेंगी, इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.1/255.255.255.252। और एक चीज आपने नोटिस की, अगर आपने ओरिजिनल राउटर पे काम किया है, अगर आपने ओरिजिनल राउटर पे काम किया है तो ओरिजिनल राउटर ऐसे ही पुट्टी के ऊपर चलता है। yes. तो इसको आप मिनिमाइज करो, R2 पे क्लिक करो, इसको भी अगर ट्रांसपेरेंट देखना है ट्रांसपेरेंट देखो, मतलब ये प्रैक्टिस है, ठीक है। इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.2। अब जो आप सिस्को में करते थे वो आपको थोड़े दिनों में डुप्लीकेट सा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जीएनएस 3 पे जब काम करोगे तो ओरिजिनल राउटर वाला ही काम स्टार्ट होगा। इसमें इंटरफेस सीरियल 1/1, आईपी एड्रेस 20.0.0.1, ये कोडिंग तो सभी को आती ही है, ये तो मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए, जीएनएस एक प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर है, जो काम इसका ओरिजिनल का है वही काम इसमें कर सकते हो आप। हाँ ये पुट्टी में ही हो रहा है बाय डिफॉल्ट। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस बस जस्ट 2 मिनट्स, सीरियल 1/1, आईपी एड्रेस 20.0.0.2, हेलो इट्स का 255.255.255.252, नो शटडाउन। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं रिकॉर्डिंग जरा पॉज कर रहा हूं। तो ये मैंने आईपी एड्रेसिंग किए थे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर में आप कोई ना कोई राउटिंग करते हो, तो इसमें भी राउटिंग करनी है, लेकिन इसमें हम पीसी नहीं लगा रहे हैं तो हम टेस्टिंग कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये अराइज होता है ना, यहाँ पे भी मेरे पास एक नेटवर्क होता था, ठीक है, इधर लगा हुआ, यहाँ पे भी मेरे पास कोई नेटवर्क होता था, तो टेस्टिंग करने के लिए आप जीएनएस में यूज कर सकते हो लूप बैक आईपी, लूप बैक एड्रेसेस टेस्टिंग करने के लिए। तो लूप बैक एड्रेस का मतलब है लॉजिकल आईपी जो यहां पे होंगे तो जरूर लेकिन फिजिकली कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप यहां पे एक लूप बैक एड्रेस देना चाहते हो, लूप बैक आईपी देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 100.0.0.1 कुछ भी ले सकते हो आईपी। और फायदा लूप बैक का क्या है कि आप उसमें /32 भी ले सकते हो, /32 में एक आईपी आता है ना, /31 में दो आते हैं, मतलब टोटल दो आते हैं। और उसके बाद में /30 भी ले सकते हो, ठीक है। और इधर अगर लूप बैक लगाना है आप तो यहाँ पे इंटरफेस लूप बैक, लूप बैक 1/200 वाला भी ले सकते हो। /30 लेना है 30 लो, /32 लेना है 32 लो। अब करना क्या है, R1 के ऊपर जाके इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 100.0.0.1/255.255.255.252, ये सिर्फ डमी क्लास दे रहा हूं। R3 के ऊपर जाके इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 200.0.0.1/255.255.255.252,
और इसको नो शट करने की भी जरूरत नहीं। अब मैंने आपको CCNA में रिप PIGRP OSPF सारा करवाया हुआ है ना, मान लो मुझे रिप करना है इस पे, तो आप डू शो आईपी रूट लगाओ, इसकी ट्रांसपेरेंसी बंद कर देते हैं। अब चीज ये देखो कि जो फिजिकल इंटरफेस होगा वो सीरियल के साथ शो हो रहा है, और जो लूप बैक है वो लूप बैक है, मतलब टेस्टिंग के लिए। लेकिन जब मान लो आपने इस पे कोई राउटिंग करनी है, मान लो रिप कर दिया नेटवर्क, तो वो नेटवर्क भी साथ में डालना है, लूप बैक वाला भी। ये मैं सिर्फ आपको अभी बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं। अब R2 के अंदर डू शो आईपी रूट 10 और 20 के नेटवर्क होंगे, एक नेटवर्क किसका है 10 का है, एक नेटवर्क नो ऑटो समरी, और ऐसा नहीं कि वर्जन 2 बाद में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वर्जन 2 पहले ही लगना है। शो आईपी रूट इसमें 200 आपका लूप बैक है, 20 आपका सीरियल है, राउटर रिप नेटवर्क 20000 नेटवर्क 200000 सॉरी एक। अब लूप बैक लगाने का फायदा ये हुआ कि मान लो अब मैं R1 के ऊपर शो आईपी रूट लगाऊंगा, तो रिप के साथ मुझे 200 का नेटवर्क भी दिखाई देगा, रिप के साथ 200 का नेटवर्क दिखाई देगा, और अगर मैं पिंग करूंगा ना 200.0.0.1 को, तो वो पिंग भी करेगा। अब लूप बैक का फायदा ये है कि हम राउटर्स के साथ अपना नेटवर्क बना के लूप बैक अगर पिंग हो रहा है, इट मींस जैसे ही हम बाहर से कोई फिजिकल लिंक उसमें लगाएंगे वो पिंग हो जाएगा। लूप बैक का मतलब टेस्टिंग का है। तो आज का काम अभी आपका इतना ही करना है आपने कि डिजाइन बना के देखना और GNS3 इंस्टॉल करना है, बाकी कोई टॉपिक नहीं आज करना। थैंक यू सो मच।